नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है रथी, अतिरथि, महारथि, अतिमहारथि और महामहारथि में क्या अंतर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत या प्राचीन काल में सामान्य सैनिक से ऊपर जो पदवी हुआ करती थी वह कुछ इस प्रकार है, रथी, अतिरथि, महारथि, अतिमहारथि एवं महामहारथि। तो आइए जानते हैं ये श्रेणियां किस प्रकार होती थी। मित्रों, रथि केवल न वह योद्धा होता था जो रथ पर सवार हो, अपितु वह एक बारी में 5,000 सैनिकों के साथ युद्ध करने में सक्षम होता था। आप अंदाजा लगाइएगा कि जो व्यक्ति एक बारी में अकेला 5,000 योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहा है, क्या जबरदस्त अद्भुत शौर्य क्षमता वह करती होगी उस योद्धा में। तो ये अपनी अगली श्रेणी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, रथि के बाद जो अगली श्रेणी होती थी वह कुछ इस प्रकार होती थी, अतिरथि। अतिरथि आप यूं कह लीजिएगा, या तो वह योद्धा होता था जो एक बारी में 12 रथियों के साथ युद्ध करने में सक्षम हो, या आप ये कह सकते हैं कि एक रथी एक बारी में 5,000 सैनिकों के साथ युद्ध करने में सक्षम है। तो अतिरथि आप यह कह सकते हैं कि 12 × 5,000 यानी कि 60,000 सैनिकों के साथ, योद्धाओं के साथ एक अकेला योद्धा युद्ध कर रहा है, उसको अतिरथि की संज्ञा दी जाती रही। तो आप सोचिएगा किस लेवल का, किस स्तर की विद्याओं में वह योद्धा निपुण होता होगा। जो कुछ अतिरथि योद्धाओं के उदाहरण हैं वे कुछ इस प्रकार हैं, कुलगुरु कृपाचार्य, युयुत्सु, शल्य, सत्यकी, कुंती भोज इत्यादि। यह योद्धा अपने समय में अतिरथि थे। तो आइए दोस्तों अगली श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, महारथि। दोस्तों, आपने यह शब्द अवश्य ही कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा। इस शब्द का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल हुआ। गलत इस्तेमाल से मेरा यहाँ पर यह अर्थ है कि लोगों को इसकी सही संज्ञा नहीं पता। महारथि किसको बोला जाता है? आपने कई बार सुना होगा कि कोई बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो उसको महारथि की संज्ञा दे देंगे, कोई व्यक्ति खेल में निपुण है, बहुत अच्छा उच्च स्तर का प्रदर्शन कर रहा है, तो उसको महारथि नाम की संज्ञा दे दी जाएगी। दोस्तों, महारथि वह योद्धा होता था जो एक बारी में 12 अतिरथियों के साथ युद्ध करने में कैपेबल हो, या ये कह सकते हैं कि 12 × 60,000 यानी कि 7,20,000 सैनिकों के साथ जो अकेला युद्ध कर पा रहा है व्यक्ति, योद्धा, उसको महारथि नाम की हम संज्ञा देते थे। तो महाभारत में पांडव पुत्र अर्जुन एक अकेला योद्धा था पांडवों में से जो महारथि था। आप कौरवों की तरफ देखें तो आपको गंगा पुत्र भीष्म, परशुराम शिष्य कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य इत्यादि योद्धा महारथी मिलेंगे। तो पलड़ा तो कहीं ना कहीं महाभारत के युद्ध में कौरवों का ही भारी था, और शायद यही वजह थी कि दुर्योधन अपनी जीत को लेकर निश्चित था। ठीक है, और मेरी आज की वीडियो बनाने के ऊपर भी यही वजह है कि मैं चाहता हूँ आप लोगों को, आप इस शब्द से परिचित हो जाए, महारथी शब्द का क्या अर्थ होता। तो ये देर ना करते हो अपने अगले श्रेणी की ओर बढ़ते हैं। महारथि से ऊपर भी कुछ श्रेणियां हुई हैं हमारे प्राचीन समय में, तो वही उन पे एक निगाह मारते हैं। अतिमहारथि। दोस्तों, जैसा कि आप मेरी पिछली डेफिनेशन से समझ ही गए होंगे कि अतिमहारथि कौन होता है। अतिमहारथि वह योद्धा होता था जो एक बारी में 12 महारथियों के साथ युद्ध करने में सक्षम हो। मेरी जितनी जानकारी है, जितना मैंने इंटरनेट पर पढ़ा, उसके अनुसार रावण पुत्र मेघनाथ अति महारथि हुआ है। कुछ जगहों पे भगवान परशुराम जी को भी अति महारथि की संज्ञा दी गई है। यह न केवल वह योद्धा होता था जो एक साथ 12 महारथियों के साथ युद्ध करने में सक्षम हो, अपितु यह वह योद्धा भी होता रहा जिस पर त्रिदेव के तीनों शस्त्रों, जैसे कि ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, विष्णु का वैष्णवास्त्र एवं शिव का
पशुपतास्त्र। क्या जबरदस्त अद्भुत शौर्य, आत्मबल, विश्वास होता हुआ उस योद्धा में। आप सोचेगा आजकल के जमाने में तो लोग 2 या 4 किलोमीटर चल के ही थक जाते। जब वो योद्धा अकेला 12 महारथियों के साथ एक साथ युद्ध कर रहा है, वो अति महारथी कहलाता था। अब देर न करते हुए अपनी अगली श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, महामहारथी। मेरा ऐसा मानना है महामहारथी वह योद्धा होता था जिस पे असीमित शक्ति हो, जो एक समय में 24 अति महारथियों के साथ युद्ध करने में सक्षम है, उसको महामहारथी बोला जाता था। अब दोस्तों एक बारी में कभी एक साथ 24 महामहारथी तो अति महारथी तो हुए नहीं है, तो फिर महामहारथी कौन है? इंटरनेट पे अगर आप देखें पढ़ें तो आपको त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अलावा दुर्गा माता, काली माता, हनुमान जी महामहारथी संज्ञा से नवाजे गए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आया तो डिसलाइक कीजिएगा। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि मैं आपको महारथी शब्द से परिचित कराना चाहता था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। धन्यवाद।